जामे मस्जिद दहली, जामे मस्जिद दहली को पांचवें मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। ये वही मुगल बादशाह शाहजहां है जिसने ताजमहल बनवाया था। इस मस्जिद को बनाने का काम सन 1644 में शुरू हुआ था और सन 1656 में ये काम मुकम्मल हुआ। कुल 12 साल लगे इसे मुकम्मल होने में। इस मस्जिद की तामीर में 5000 मजदूरों ने काम किया। इस मस्जिद में लाल बलवा पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल किया गया और इसको तामीर करने में उस वक्त 10 लाख रुपए की लागत आई थी। यह मस्जिद लाल किला से 500 मीटर की दूरी पर है। इस मस्जिद के 3 बड़े गेट हैं और तीनों गेट पुरानी दहली की मेन मार्केट की जानिब जाते हैं। पहला पुरानी दहली की जानिब, दूसरा मीना बाजार की जानिब और तीसरा चांदनी चौक की जानिब। इस मस्जिद की लेंथ 80 मीटर है, विड्थ 27 मीटर है। इस मस्जिद के 3 डोम यानी के 3 गुंबद है और 2 टावर है। टावर की हाइट 41 मीटर है। ये शाहजहां की बनाई हुई आखिरी इमारत है। इसके बाद शाहजहां ने किसी इमारत की तामीर नहीं की। 23 जुलाई सन 1656 को इस मस्जिद का ओपनिंग की गई, जिसके लिए उज्बेकिस्तान बुखारा से इमाम बुलाए गए जिनका नाम इमाम बुखारी था। और आज तक उन्हीं इमाम का सिलसिला इस मस्जिद में इमामत करने के लिए जारी है। तो चलिए चलते हैं जामे मस्जिद की जानिब और देखते हैं जामे मस्जिद को। इस वीडियो में जामे मस्जिद को बहुत बारीकी से बताने की कोशिश की है। वीडियो लंबी जरूर है लेकिन हर एंगल से बारीकी से बताने की कोशिश की गई है। तो देखते रहिए जामे मस्जिद दहली। अभी हम बाबे अब्दुल्ला गेट नंबर 1 की जानिब से मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं। यह गेट पुरानी दिल्ली की जानिब जाता है। मीनार काउंटर, मीनार टिकट, मीनार का निकाल लिया।
मीनार पे जाने का मैंने टिकट ले लिया है। मीनार पे जाने, हाँ ये लो भाई, ये लो एक दे देना मुझे। ये मीनार पे जाने का टिकट 50 रुपये। हाँ जी शुक्रिया भाई। एंट्री किधर से मीनार की भाई? एक नंबर गेट से। यहाँ से सीढ़ियों से होकर मीनार पे चलिए भाई, चलना इधर नहीं, इधर यावे और यहाँ से ये मस्जिद खूबसूरत नज़र आ रही है। फिलहाल बंद कर दिया गया, ये रस्सियाँ लगी हैं, अंदर जाने की परमिशन नहीं है। यहाँ नीचे से बाजार नज़र आ रहा है, उस सामने वाली गली में मैंने रूम लिया है फिलहाल। ये गेट से मैं अंदर आया हूँ अभी। यहाँ से भी सीढ़ियाँ, लेकिन रास्ता बंद। ये मीनार पे जाने की सीढ़ियाँ, पत्थर की बनी हुई खूबसूरत सी मेन सीढ़ियाँ, लाल पत्थर में बने हुए हैं। ये सब सीढ़ियों पर लाल पत्थर नजर आ रहा है सब। यहाँ से रास्ता बंद किया हुआ है, पता नहीं क्या है। और ये मैं ऊपर आ गया, ये पीछे भी रास्ता बंद है। यहाँ कुछ काम चल रहा है शायद। ये मीनार के ऊपर जा रहा हूँ मैं, जो 50 रुपये टिकट था वो ये मीनार के लिए था। आगे बंद है, वो साइड में जाने का रास्ता फिलहाल बंद कर दिया गया है।
ये सीढ़ियों से होके मुझे मीनार के ऊपर जाना है, टॉप पर। सीढ़ियों से मैं ऊपर आया, यहाँ से फिर मैं यहाँ से रास्ते बंद कर दिए गए, इधर से भी रास्ता बंद कर दिया गया, सीढ़ियों से सिर्फ ऊपर चढ़ना है। और ये अंधेरा है यहाँ पर। अब क्या नाम बोले बुजुर्ग आपका? मोहम्मद इसहाक। मोहम्मद इसहाक साहब, क्या करते हैं आप यहाँ? मुअज्जिन है। ये जाम, ये मस्जिद के अजान आप देते हैं? हाँ, हम दे देते हैं। और भी मुअज्जिन है माशाल्लाह। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, बिहार। आप बिहारी हैं? अच्छा, चलो माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। यहाँ ये क्या चीज़ है, कुछ समझ में नहीं आया। अंधेरा है, इसके लिए मुझे टॉर्च लगाने को पड़ेगी। चलो, ये लाल पत्थर से बनी हुई खूबसूरत सी सीढ़ियां हैं यहाँ पर। यहाँ से देखेंगे तो ऐसे गोल गोल है। धीरे धीरे आराम आराम से चलो। ये रोशनी का इंतजाम, यहाँ से हवा और रोशनी का इंतजाम, बारिश नहीं आती है, टेक्नोलॉजी बढ़िया। लाल पत्थर में बनी हुई सीढ़ियाँ हैं सब ये। उतना उजाला कैसे है भाई? चलो वीडियो बन लिया अंकल जी? हाँ, मेरे फोटो आ गया? बिल्कुल आ जाएगा। आ गया आपका फोटो वीडियो। क्या नाम आपका? अमान। अमान कहाँ के रहने वाले? ओखला। ओखला कहाँ मतलब? ओखला के अंदर। स्टेट ओखला दिल्ली में ही है। दिल्ली में ही है। अच्छा, दिल्ली के हैं आप? हाँ, दिल्ली के। हाँ, मुझे नहीं मालूम, इसके लिए पूछ रहा हूँ ना। इंस्टाग्राम पर तो इस तरह से तकरीबन 170 सीढ़ियां चढ़ते हुए मैं मीनार के टॉप वाले हिस्से पर पहुंच गया हूं। और अब टॉप के ऊपर से दिल्ली का नजारा देखते हैं।
शब्बीर अहमद माशाल्लाह। बिहार के कौन से ज़िले के? बिहार में चंपारण जिले। चंपारण, वो तुम्हारे वो इनका है ना, वो चंपारण क्या है, वो सीएम जो है वहाँ के नीतीश कुमार का है ना शायद, नीतीश कुमार चंपारण। चलिए भाई जगह इधर पैर निकालेंगे आप। वीडियो वाले बनानी पड़ेगी। रास्ता था जो बंद कर दिया गया। Thank you.
चल बेटा, शुक्रिया। आप इंस्टाग्राम पर हैं? एक मिनट। अब बुलंदशहर के पास तो मेरे फूफा का घर है। बुलंदशहर दूर है हमारे पास से। आपका नाम क्या है? जबी मलिक। जबी मलिक। जबी मलिक, माशाल्लाह, प्यारा नाम आपका। सुभान मलिक। सुभान मलिक, तीनों भी मलिक हैं? हाँ, ते तीनों सगे हैं। अच्छा अच्छा, सगे हैं तीनों। जी जी, चलो। आया कि नहीं चैनल? अभी चेक कर। क्लीन हार्ट चैनल, मेरी फोटो आएगी उसके ऊपर, देख लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैसेज डालिए। क्लीन हार्ट चैनल है नाम पूरा? क्लीन हार्ट, CLEANHEART CHANNEL। अच्छा, चैनल भी डालना? चैनल डालो, जब मेरा नाम फोटो दोनों आएगी, मेरे वीडियो आएंगे 400-500। चलिए, कितनी हुई भाई? रुक जाना, हाँ व्लॉग शूट कर रहे हैं। चलिए आप, चलिए आप, चलिए जाइए आ गए आप। यूट्यूब पे जाओ, बहुत सिंपल है। एक दो तीन चार पाँच छः सात नौ दस बारह तेरह चौदह आप कहाँ से? हाँ जी। आप कहाँ से? यहीं से हम भी। आप दिल्ली वाले हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, हम औरंगाबाद से आए हुए हैं। अच्छा। जी 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 जी, चलो बेटा। मिला नहीं बेटा अभी तक? तेईस 123 ऊपर से और ये 23, 146, 146 जी। हाँ, वही गिन रहा था। हाँ, ये भी है ना? हाँ, वो भी गिनूंगा ना। आपका नाम क्या बोले? नाजिम खान। नाजिम खान जी जी। आप यहीं के बोले ना? नहीं, हम यूपी के। अच्छा, आप यूपी वाले? जी जी, माशाल्लाह। बरेली शहर के। यहाँ घूमने आए? जी नहीं, हमारे ससुराल है। अच्छा, ससुराल है जी। मतलब आप यहाँ की हैं? नहीं, दिल्ली वाले हैं आप, माशाल्लाह। कहाँ रहती हैं? आनंद विहार रोड पे। आनंद विहार रोड पे रहती हैं। आपका नाम? चांदनी। चांदनी, माशाल्लाह, अच्छा नाम। जैसी हैं आप वैसा नाम भी है, माशाल्लाह। 146 151 यहाँ तक हुए, नीचे 151 हुए, अगर उल्टा काउंट करे तो यहाँ से 151 हुए।
मेरा सरनेम शेख है, तो वो शेख की वजह से मैं शेखू कहलाता हूँ। जी 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 जी, आप कौन? आप शेख नहीं हैं? नहीं, हम तो पठान हैं। आप पठान हैं, माशाल्लाह। और ये शेख हैं? ये शेख। अच्छा है, पठान और शेख की जोड़ी अच्छी जमी है माशाल्लाह। लेकिन हम निकल के शेख, हम दोनों आपस में शेख शेख। मैसेज कीजिए भाई। जी भाई, यहाँ देख रहे हैं आप कुरान की आयतें लिखी हुई नज़र आएंगी आपको। यहाँ बहुत सारी कुरान की आयतें लिखी हुई है। ठीक उसी तरह से दाएं जानिब भी इसी तरह कुरान की आयतें लिखी हुई है। यहाँ से रास्ता बंद, ये यहाँ से आगे चलना है, यहाँ से फिर कुछ सीढ़ियाँ हैं, अंधेरा है तो लाइट मुझे ऑन कर लेना होगा, रोशनी कम है, मैं अपना लाइट लगा लेता हूँ तो उससे रोशनी होगी ज़रा थोड़ी सी। अब यहाँ से फिर सीढ़ियाँ शुरू होती है, एक ये इधर से जाने का रास्ता मुझे फ़िलहाल बंद कर दिया गया। अब मैं यहाँ से उतर रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत सी बनावट इसकी, बहुत खूबसूरत सी बनावट, पत्थरों में बना हुआ, लाल पत्थर से बनी हुई सारी सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से एक हो गया है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, उन्नीस। जी भाई, पर्सनल 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 जी। चलिए चलते हैं। यहाँ पर वजू खाना, बहुत सारे नल लगे हुए हैं वजू करने की जगह, यहाँ मुसाफिरों को रुकने की जगह है। यहाँ पर हेलो, अरे बिटिया डरना नहीं, thank you.
बस आप तो इतना पीछे जा रहा है।
वहाँ जाएंगे वो भी कितने भैया यूट्यूब चैनल पर हाँ यूट्यूब है यूट्यूब चैनल पर यूट्यूब चैनल पर हेलो सर और पिक्चर्स या या सर वेयर फ्रॉम यस वेयर फ्रॉम आई एम फ्रॉम औरंगाबाद महाराष्ट्र वेयर आर यू फ्रॉम आई एम फ्रॉम कलिम्पोंग हांगकांग कलिम्पोंग कलिम्पोंग वेरी गुड व्हाट्स योर नेम माय नेम इज महीर अहमद महीर अहमद महीर अहमद माशाल्लाह अविनाश अविनाश आप इंडिया के हैं गाइड हैं इनके लगता तो है फिर अब जब वो वेरी गुड प्लीज टू मीट यू नाइस टू मीट यू अल्लाह हाफिज आई एम अ यूट्यूबर तारीख कोई बता सकेगा ये गेट को बंद कर दिया गया है यहाँ से जाना आना बंद है
Thank you.
फोटो शूट कितने में करते हो? पर तो सही और बाहर निकल के आगे अंदर आउट है यार, बाहर निकल के आउट है। अंकल तुम्हारा
खड़ा हूँ अभी दिल्ली की जामा मस्जिद के पास। ये मैं आपको बताता हूँ, ये उसकी जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ। भाई अपना नाम बताना। जी दाऊद अली। दाऊद अली, तो ये हमारे एक दोस्त हैं जनाब दाऊद अली साहब। तो मैं यहाँ पर क्या है ये ला कौन सा जामा मस्जिद। हाँ तो मैं यहाँ पर
जामा मस्जिद जो है दिल्ली की, वहाँ घूम रहा था कि वहाँ हमारे ये दाऊद अली भाई से मुलाकात हो गई, और इत्तेफाक से ये भी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र में इनका ज़िला है नांदेड़। हाँ भाई, नांदेड़ में कहाँ रहते हैं भाई आप? नांदेड़ में खड़कपुरा। खासपुरा? खड़कपुरा। खड़कपुरा, अच्छा माशाल्लाह। तो ये नांदेड़ में खड़कपुरा के रहने वाले हैं, तो बहुत खुशी हुई भाई आपसे मिलके, बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा जब कभी आए तो आपसे मुलाकात करेंगे, और आप औरंगाबाद आए तो हमसे मुलाकात कीजिए। चलिए भाई, ये है बाबे शाहजहां। लाल किले से चलते हुए शाहजहां इसी गेट से जामे मस्जिद को आया करते थे, इसी से इसका नाम बाबे शाहजहां रखा गया था।